हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बनाने जा रहे हैं नींबू की शिकंजी, जो गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। इसको कैसे बनाते हैं, आइए हम देखते हैं। दो गिलास पानी, तीन नींबू का रस, एक कप चीनी, पुदीना, एक छोटा चम्मच काला नमक। सबसे पहले पानी में डालेंगे चीनी। चीनी हम सादे पानी में घोलेंगे, क्योंकि हम अगर ठंडे पानी में चीनी घोलेंगे तो जल्दी नहीं घुलती है, सादे पानी में आराम से घुल जाती है चीनी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। अब इसमें मिलाएंगे नींबू का रस, काला नमक, मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसको हम छान लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पुदीना, इसको इस तरह हम तोड़ लेंगे। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। अब हम गिलास तैयार करते हैं। ये चीनी और काला नमक है, इस तरह हम गिलास के साइड से इसको लगाएंगे। इस तरह हम इसको लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरा गिलास तैयार कर लेंगे। अब हम शिकंजी को ग्लास में निकाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे आइस क्यूब। इसको गार्निश करेंगे नींबू से। लीजिए, ठंडी ठंडी शिकंजी बनकर तैयार है। आप इसको पीजिए गर्मी में। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।